दूजे पासे श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी इस बयान की सख्त निंदा की है ते भाजपा दे उत्थे हाजिर सारे ही निक्के वड्डे आगुआं नूं मुआफी मंगण दी नसीहत भी दित्ती है। जिहड़ी है इक वीडियो जिहड़ी है साडे वास्ते ओह वायरल होई है ते साडे तक पहुंची है, जिहदे विच राजस्थान के अंदर मंच तो एक बुलारा जिहड़ा है वह बहुत ही ज़्यादा घटिया ते भद्दी किस्म की शब्दावली बोल रहे हैं और वह भी जिम्मेवार तरह की हाजरी यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी बैठे ने और बहुत सारे बीजेपी के जिहड़े ने वड्डे लीडर बैठे ने उन्हां दी हाजरी दे विच वह बंदा जिहड़ा कह रहा है कि मस्जिदां गुरद्वारे जिहड़े ने ये नासूर है ते ये जे बीजेपी सरकार आउंदी है या जे तुसी साडे एमपी नूं जिताउंदे हो तां इन्हां नूं उखाड़िया जाएगा। मैं समझदा कि डेमोक्रेसी दे विच इस तो घटिया पद्दा बयान जिहड़ा है वह कोई हो नहीं सकता है कि घट गिणतियां नूं जिहड़ा है वह निशाना बनाया जाए। घट गिणतियां पहले ही बहुत सहम दे विच ने, जिस किस्म दीआं गल्लां बातां नैशनल लैवल ते हो रही ने ते इहो जिहे बयान जिहड़े है ये घट गिणतियां दे अंदर बहुत वड्डा जिहड़ा सहम भी पैदा करते हैं। तो बीजेपी नूं चाहीदा है कि उस बंदे नूं पार्टी चों कढ़े, उस बंदे दे उत्ते FIR होनी चाहीदी है, उस बंदे नूं जिहड़ा है वह जेल दे विच बंद करना चाहीदा है जिसने नफरत फैलाउण दा जिहड़ा एक कोझा जतन जिहड़ा है उस मंच तों कीता है जिस मंच दे उत्ते वड्डे लीडर बैठे है। तो किते ना किते वड्डे लीडर भी जिहड़े ने उहदे जिम्मेवार ने क्योंकि उहनां दी हाजरी च बोलिया गया कि उहनां नूं भी सिख पंथ पासों माफ़ी जिहड़ी है वह मंगनी चाहीदी है। ये बेहद मंदभागी घटना जिहड़ी है घटी है ते जिस नाल लगता है कि एजेंडा जिहड़ा है वह इन्हों का सारा क्लीयर हुंदा जापदा है कि घट गिणतियां दे प्रति जिहड़ा है इन्हां दी सोच की है, सुहिरदता जिहड़ी है किन्नी क घट गिणतियां दे प्रति है, इहो जिहे बयान जिहड़े आ उह बंद होने चाहिए, उहदे ते परचा होना चाहिए, उहनूं जेल दे विच बंद करना चाहिए ते ताड़ना करनी चाहिए एक अजिहा घटिया किस्म का बयान जिहड़ा अगे तो कोई ना दे। बिल्कुल नफरत की राजनीति खेडी जा रही है, नफरत की राजनीति जिहड़ी है ये तुहानूं सत्ता ते पहुँचा सकती है लेकिन जिहड़े दे नतीजे निकलते हैं जिहड़ा लहू लुहान हुंदी है धरती देश की उहदा अंदाज़ा नहीं लाया जा सकता। साडे कोल उदाहरण ने 1947 दे विच इस किस्म की घटिया नफरत की राजनीति जिहड़ी है खेडी गई सी ते 10 लाख लोग जिहड़े आ कतल होए सी, फिर 1984 तो पहला जिहड़ा सिखां दे खिलाफ़ नैरेटिव सिरजा गया पंजाब की धरती लहू लुहान होई सी। इहो जिहे बयान जिहड़े है ये धरती नूं लहू लुहान कर देण वाले हुंदे है, इहदे नाल फायदा यह हमेशा ही है जी। जदों तो 1947 तो मुल्क आज़ाद होया असीं देख रहे हैं हमेशा सिख निशाने ते आउंदे ने, उहदा मैं समझदा कारण यह है कि सिख बोलते ने जुल्मां दे खिलाफ बोलते ने, कितें गलत हो रहा हुंदा उहदे खिलाफ़ बोलते ने, बगावत के खिलाफ़ बोल जिहड़ी इस तरह के घटिया किस्म के जिहड़े वरतारे हुंदे उहनां दे खिलाफ़ बोलते ते सिखां नूं निशाने ते लिया। बेहद मंदभागी गल है, मैं पहला भी कह चुके हैं बदबियां बारे भी ये एक साजिश सानूं नज़र आउंदी है कि सख्त सज़ावां जिहड़ियां जिहड़े बेदोशी जिहड़े हुंदे दोषी हुंदे उह फड़े जांदे आ उहनां नूं सख्त सज़ावां मिलदियां नहीं है, पागल करार दिता जांदा है, छुट जांदे ने, जिहदा नतीजा है कि बेअदबियां करन वाले लोग जिहड़े आ होर उत्साहित हुंदे ने। ठल पैणी चाहीदी जिहड़े जिहड़े अपने आप नूं इह समझदे आ कि असीं इंदिरा गांधी दे बेटे हाँ ते उहनां दा इह कहिणा जिहड़ा हैगा इह कोई वड्डी गल नहीं है। क्या किस्म की राजनीति है इस किस्म की बयानबाजी और इस किस्म की राजनीति नाल तुसीं सत्ता हासिल कर सकते हो पर मुल्क दे अंदर शांति या मुल्क नूं डिवेलप जिहड़ा बिल्कुल नहीं कर सकते, मुल्क बर्बाद होएगा, मुल्क टुटेगा जे इस किस्म के बयान आउंदे रहे। इह घट गिणतियां दे प्रति नफरत फैलाउण दा इक कोझा जतन लगता है, मिनोरिटी दे प्रति जिहड़ा इक वड्डा जिहड़ा इक नैरेटिव सर्जन दा जिहड़ा है घट गिणतियां दे खिलाफ ओह जतन सिंह साहब मंदभागी गल है जी। मैं पहला कह चुका कि नसूर कहना गुरुद्वारिआं नूं, मैं इक गल कह दिआं इन्हां नूं इह पता नहीं है कि जे गुरुद्वारे ना होंदे ते घट्टो घट्ट जे पूरा भारत नहीं तो उत्तरी भारत पक्का ही जिहड़ा है वह मुसलमान होना सी। सिंह साहब राजस्थान की राजनीति जिहड़ी है ना जिस पासे वध रही है इह कोई शुभ शगन नहीं है। मूँह तो कही जाते हैं कि असी मुल्क नूं अखंड रखना है, अखंड रखना है, अखंड रखना है, पर इहो जिहे जिहड़े बयान है ये मुल्क नूं अखंड रखने वाले बन लगते नहीं है, ये देश नूं कमज़ोर करने वाली गल्लां होंदियां जिहड़ियां करते पए है, दावा करते हैं कि असी मजबूत कर रहे हैं इहो जिहे बयानबाजी जिहड़ी है कमज़ोर करती है। नफरत का प्रचार उस वेले किया जाता है जो पोलराइजम जिहड़ा ना पोलराइजेशन जिहड़ी है वो करन दा जतन हुंदा है ते सत्ता हासिल करन दा जिहड़ा है वोटां दा ध्रुवीकरण करके ते सत्ता हासिल करन दा जदों निशाना मिथ लिया जाए ते फिर इस किस्म दे घटिया किस्म दे बयान घटिया किस्म दे लोकां वल्लों दित्ते जांदे।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ 84 ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਮੁੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ। 39 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ? ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੇ ਕੁਝ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਹਾੜਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਰਸਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਰੇ ਪਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਟਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼।